जय हिंद गाइस, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग एकदम ठीक है। तो आप लोगों को भी सदर ब्लॉग एंड ट्रैवलिंग पे स्वागत है। तो आज के ब्लॉग मैं घर से शुरू करने वाली हूँ। तो सुबह सुबह है तो आप लोगों को सभी गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं आज सरदार जी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं। देखिए गाइस, सरदार जी आप क्या कर रहे हैं थोड़ा बता दीजिए और गुड मॉर्निंग भी बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग गाइस। कपड़ा नहीं है आपका और पापा जी भी सुबह सुबह ये जो सुपारी है ना जमीन से लेके आए हैं, अभी इसको जो उसके अंदर थोड़ा बहुत सूखा सूखा जो है वो अलग कर रहे हैं और बाकी ऐसे रहेगा। तो गाइस, चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो पूरे अंत तक देखिए। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो लाइक भी कीजिए गाइस। और ऐसा बात है कि आज हम लोग का घर में एक बहुत बड़ा गेस्ट आया है, बहुत ही स्पेशल। चलिए वो जो हमारा गेस्ट है वो अभी भी ना सो रहा है, मतलब पूरा लेजी है, पूरा अंधेरा करके सो रहा है। देखते हैं कौन है हमारा गेस्ट। ये तुम लाइट जला के सो नहीं रहे हो? हाँ, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो देखिए ये मेरा बेटा, इसका नाम है रोहन। रोहन हाय बोलो। हाय। तो रोहन से आप लोगों को मिला दिया। रोहन जो है जो मेरी नाना जी है, मतलब सरदार जी का दीदी का लड़का है, लेकिन ना वो मेरा बेटा है ना पापा। चलो पापा, अब इतना दिन से क्यों नहीं आए? क्योंकि एग्जीबिशन का बहुत काम था, इसलिए नहीं आ पाया। एग्जीबिशन का काम था, कैसा हुआ तुम्हारा एग्जीबिशन? अच्छा किया। तो स्कूल का नाम भी बता दो। ओके, तो तुम क्या बनाए थे एग्जीबिशन में? हम बनाए थे इंग्लिश का टेंस और प्रीपोजिशन। अच्छा, तो कितना मतलब कैसा बना था? टीचर लोगों ने और ऐसे पेरेंट्स लोग गए थे ना देखने के लिए। हाँ। क्या बोला आपको? वेरी गुड बोला, एक्सीलेंट बोला। वो मेरे को तो नहीं बुलाया आपने एक बार भी स्कूल में। हम बुलाया था, नाना नानी को बुलाया था। और हम मैं और मामा क्या हुआ था? आप नहीं था घर में, आप गया था वो ट्यूशन में पढ़ाने। मैं ट्यूशन गई थी। हाँ, आज भी सुबह जाऊंगी। जाओगे मेरे साथ? आज सुबह है आज। हाँ अच्छा, आप लोग का स्कूल में क्या है, 4 दिन छुट्टी है सारा यहाँ के? 2 दिन तो सैटरडे संडे सैटरडे है और एग्जीबिशन का खुशी में टीचर छुट्टी दे दिया। वो ठीक है, इसलिए आज मैंने सुबह सुबह ट्यूशन है। हाँ चलिए, तो आप जाओगे मेरे साथ? कहाँ? कोचिंग? नहीं। चलो, दादा लोग, दीदी लोग, भाई बहन लोग आएगा सब। नहीं, आज एक बैच है। हाँ, मेरे को शर्म आता। शर्म आता आपको? नहीं, आज छोटा बच्चा लोगों का है, 5 क्लास का है। ठीक है, आज बड़ा क्लास नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक जगह जाएंगे घूमने। हाँ। हाँ? आप जाओगे? हाँ। क्योंकि आपको लेके जाएंगे आज, आप इतना दिनों बाद आए हो। ठीक है, शाम को जाएंगे। हाँ। ठीक है, अभी आप ब्रश करो, फ्रेश हो जाओ। ओके। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखे कि हमारे घर में जो है आज स्पेशल गेस्ट आया है, रोहन आया है। तो आज का ब्लॉग मैं घर से शुरू की, लेकिन आपको ये मैं घर का नहीं ब्लॉग नहीं बनने वाला आज। मैं आप लोगों को आज भी एक जगह पे लेके जाऊंगी और उसका शाम का व्यू भी दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ। आया? हाँ। इतना लेट करके जाते हो हर कई जगह तुम लोग? नहीं, हम लोग थोड़ा तैयार हो रहे थे। बहुत दिनों बाद रोहन और मैं एक साथ हुई ना। और रोहन जो है ना गाइस, सब लोग को बता दूं, रोहन और मेरा जो मतलब बहुत सारा ऐसा चीज है दोनों का कॉमन है, चॉइस बोलो, बहुत सारा ऐसा कुछ है जो दोनों का बहुत कॉमन है। खाना पीना। खाना पीना में बहुत निकल रहा है दोनों का। तो गाइस, जैसे कि अभी 3:30 हो चुका है PM, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, निकलेंगे जो लिटिल अंडमान आइलैंड है उसका हडबे एरिया में, हडबे। तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि सरदार जी कौन सा जगह पे लेके जा रहे हैं, एग्जैक्टली हडबे के कौन सा जगह पे। सरदार जी आप बताओगे? दिखाएंगे उधर जाके।
को सरप्राइज लगता है, रोहन को, रोहन और मेरा सरप्राइज है। और रोहन जो है ना, बहुत दिनों बाद ऐसे हम लोग तीनों मिलके जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो रोहन जब छोटा था तो पढ़ाई में बिजी रहता है, उनका पढ़ने का बहुत प्रेशर है, तो इसलिए वो छुट्टी, मतलब छुट्टी रहने से भी, संडे और सैटरडे छुट्टी रहने से भी जा नहीं पाते। तो आ जाएंगे तीनों मिलके एक साथ, क्योंकि मंडे तक छुट्टी है, एंजॉय करेंगे, आज मौका मिला है। चलिए गाइस, आप लोग को भी दिखाएंगे हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। और आप लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और स्किप मत कीजिए, पूरा अंत तक देखिए। और रोहन के लिए तो लाइक लाइक बनता ही है। बताऊँ आपको गाइस, सरदार जी सच में आज सरप्राइज दे दिया। नेचर का पूरा ब्यूटी आप लोग खाली देखिए, वो देखिए यहाँ पे सरदार जी, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। ये देखो चिड़िया, ये देखो, ये बाहर से आया है ये चिड़िया। थोड़ा धीरे बात करना पड़ेगा, इधर सब चिड़िया मिलता है। ये देखिए गाइस, वो देखिए कितना सुंदर है, कैसा है। थोड़ा धीरे बात करना होगा, वो लोग देख रहे हैं हम लोग को, जोर से बात करेंगे कि भाग जाएगा। वो देखो बड़ा बड़ा है, ये देखिए गाइस पूरा भरा है इसमें ये चिड़िया। और ये जगह देखिए, हर टाइम इधर चिड़िया रहता है। कैमरा होने से और भी अच्छा लगता। देखिए ये चिड़िया, कैसा ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच सरदार जी। रोहन गाइस आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए। देखा देखा कितना सुंदर है चिड़िया, देखा तुम। हाँ, ये देखो तो बाहर से आया है। इधर देखो, इधर आओ, ये देखो, वाओ धमाका, ये क्या चिड़िया है, देखा बढ़िया बढ़िया चिड़िया है। इधर लाइट हाउस भी है, टावर सदर जी, नजारा व्हाइट वाला तो वो अलग है। हाँ, ये जो ब्लू ब्लू मतलब स्काई ब्लू टाइप्स का वो एक अलग है ना। हाँ, उसका शाइन है अलग, शाइनिंग कलर दिख रहा है। और वो रहा शेल्टर, वो जो घर दिख रहा है ना गाइस आप लोगों को, वो एक्चुअली वहाँ पे पहले घर नहीं था। सुनामी में जब वो जो नीचे वाला पोजीशन में, जब समुंदर के पास जितना था घर जमीन जिन लोगों का नीचे, अभी देख रहे हैं वो पूरा पहाड़ के ऊपर है, लेकिन जो नीचे जब था ना तो सुनामी में उन लोगों का घर बह गया था, इसलिए गवर्नमेंट की ओर से उन लोगों को वो शेल्टर दिया है, बना के दिया है गवर्नमेंट ने, और घर का फैसिलिटी दिया है उन लोगों को, एक चीज़ की कमी नहीं होने दिया, तो गवर्नमेंट इतना अच्छा है। तो इधर का व्यू कैसा लगा? जबरदस्त, बढ़िया बढ़िया है। और भी कैमरा रहने से वो बढ़िया से दिखा सकते थे, क्योंकि वो दूर दूर है ना। हाँ, वो अंदर भी ना और भी चिड़िया है नया नया। तो सब... मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे क्या पूरा पानी है। हाँ, तो यहाँ पे जमीन है, वो जो देखिए घास दिखा दे रही है, उसमें नीचे पानी है ना, मैं डूब जाऊंगी। हाँ, अच्छा फिर तो नहीं जा सकते। इधर फुल मछली भरा है और वो चिड़िया भरा है,
वो ना अभी शाम के टाइम हो गया करके वो फ्लावर्स भी ना बंद हो गया, हाँ। नहीं तो पूरा खुला रहता था, और भी देखने में मजा आता। ऊपर देखिए छोटा छोटा चिड़िया छोटा छोटा है एकदम। और ये चिड़िया तो बढ़िया लगा मेरे को। हवा भी बहुत अच्छा है, ठंडा है, पोल्यूशन फ्री, जीरो पोल्यूशन। चिड़िया देखो ना, चिड़िया भर, चिड़िया देखो भर भर के है। वो मुझे ना वो बड़ा बड़ा वाला अच्छा लगा, मेरे को एक चाहिए। उनको बोलो ना जाके मैं हम लोग के साथ चलने के लिए। चलो चिड़िया लोग, रानी के साथ घर चलो, खाना बना खाना खिलाएंगे। जीरो पोल्यूशन है ना, एकदम फ्रेश नेचर से। मतलब आप लोग क्लोज होना चाहते हो, पूरा उसके साथ फ्रेंडली बनना चाहते हो, तो आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। पीछे वो देखिए चिड़िया अभी भी बैठा है। कहाँ? हाँ पीछे है, छोटा छोटा सफेद। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे जूस। तो आज का जो ये ब्लॉग है तो यहीं पे हम लोग खत्म कर रहे हैं गाइस। तो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिले, क्योंकि गाइस आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, लाइक भी कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये दोनों थोड़ा खा पी के स्वस्थ हो पाएंगे। हम लोग खाते हैं गाइस, लेकिन ना पता नहीं हम लोग का क्या, मेरा तो थोड़ा बहुत हो चुका है, इसका तो हड्डी निकल चुका है। तो मिलते हैं, हाँ। तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, जरूर ख्याल रखिए अपना और सबका भी ख्याल रखिए। और नेचर से मिलना चाहते हो, फ्रेंडली होना चाहते हो, पोल्यूशन फ्री होना चाहते हो, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।